नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में इस वक्त संसद भवन की खबर चर्चे में है। संसद में हो हल्ला चल रहा है। वहीं इस बीच जाति जनगणना को लेकर एक अलग ही पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच आप लोगों को बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो 42 मांगे रखी गई हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही हम मांग करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत जाति जनगणना करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो 50% का कोटा है, उसे ब्रिज किया जाए। कई महत्वपूर्ण मांगे हैं जिन पर सरकार को तुरंत काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि 52% आबादी वाले को केवल 27% आरक्षण मिल रहा है। जो आबादी 10% है, उसे 50% का आरक्षण मिल रहा है, जो गलत है। इसे ठीक करने की ज़रूरत है। उधर बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे, जिसने सर्वे को आगे बढ़ाया था। ऐसे में बिहार में जारी जातीय जनगणना पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगाई गई है। दरअसल पटना हाई कोर्ट की तरफ से जातीय जनगणना पर रोक नहीं लगाए जाने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई। अब जान लेते हैं इस वीडियो में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने कहा कि वे जाति आधारित सर्वे पर रोक चाहते हैं, जो बिहार में चल रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि सर्वे को कुछ समय तक चलने दीजिए, इसमें अति आवश्यकता क्या है। अगर यह 80% पूरा हो गया है तो इसे 90% तक पहुंचने दीजिए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हम इस याचिका पर सोमवार 14 अगस्त को विस्तार से सुनवाई करेंगे। बहरहाल बिहार में जाति जनगणना को लेकर कई नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। दर्शकों, अगर आप जाति जनगणना पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। बहरहाल आपको हमारी यह खबर कैसी लगी? अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।